नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इजी नौकरी चैनल पे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे महत्वपूर्ण निर्देशक 2020। फ्रेंड 2020 में जितनी मूवी रिलीज हुई है नई, उनके सब हम महत्वपूर्ण डायरेक्टर लाए। एग्जाम में पूछा जाता है महत्वपूर्ण निर्देशकों के बारे में। साथ के साथ फ्रेंड फिल्म के अलावा हम वेब सीरीज भी लाए जो कि काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है, और उनके भी डायरेक्टर हम जानेंगे इस वीडियो में MCQ प्रश्नों में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब भी करके जाना। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पैरासाइट फिल्म के निर्देशक कौन है? फ्रेंड मैंने पहले क्वेश्चन में इसलिए लिखा है पैरासाइट क्योंकि इसे 2019 में ऑस्कर अवार्ड मिला था इस मूवी को बेस्ट पिक्चर का, जो फरवरी 2020 में ऑस्कर बटे थे, तो उसमें इसे पैरासाइट फिल्म को बेस्ट पिक्चर के रूप में इसे अवार्ड दिया गया था बेस्ट ऑस्कर के लिए। ठीक है, बेस्ट पिक्चर ऑस्कर के लिए। और इसके जो निर्देशक हैं वो कौन है? तो वो है बोंग जून हो। फ्रेंड बेसिकली जो पैरासाइट है वो साउथ कोरियन मूवी है, और ये पहली ऐसी साउथ कोरियन मूवी है जिसे ऑस्कर मिला हो। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड, पैरासाइट। और इसके जो डायरेक्टर हैं बोंग जून हो। बेसिकली इसमें जो स्टोरी बताई गई है वो बताई गई है, एक दक्षिण कोरिया की फैमिली होती है जिसमें 4 लोग होते हैं और एक छोटे से बेसमेंट में रहते हैं, उसी के ऊपर एक आधारित है, उन्हीं के ऊपर ये जीवन पर आधारित है। तो इसे पैरासाइट मूवी को ऑस्कर अवार्ड मिला है बेस्ट फिल्म के लिए, याद रखिएगा। और फ्रेंड एक और चीज़ मैं बता दूँ, इसके जो डायरेक्टर हैं बोंग जून हो, इन्हें भी बेस्ट डायरेक्टर का ऑस्कर मिला है, ये भी जरूर याद रखने का। चलिए अगले क्वेश्चन पे देख लेते हैं। क्वेश्चन 2 देख लेते हैं फ्रेंड। छपाक मूवी आई थी अभी, काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है फ्रेंड्स, सोशल मुद्दों पर है, भारतीय मुद्दों पर बनी है। छपाक फिल्म के निर्देशक कौन है? तो छपाक फिल्म के जो निर्देशक हैं वो है मेघना गुलजार। कौन है? मेघना गुलजार छपाक फिल्म के निर्देशक हैं। फ्रेंड बता दूँ ये किसके ऊपर आई थी, ये लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर बनी थी, जिसमें जो दीपिका पादुकोण है, जिन्होंने मालती का कैरेक्टर अदा किया है, वो एक एसिड हमले का शिकार हो जाती हैं और खुद को संभालने की कोशिश करते हुए अदालती प्रक्रियाओं से गुजरती हैं, और फ्रेंड अपने जैसे ही महिलाओं के लिए वो न्याय के लिए लड़ाई करने लगती हैं, न्याय के लिए सरकार से न्याय मांगती हैं। तो ये छपाक मूवी जो कि लक्ष्मी अग्रवाल के ऊपर निर्देशित थी, ये मेघना गुलजार द्वारा डायरेक्टेड थी। ठीक है, याद रखिएगा छपाक मूवी मेघना गुलजार। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तानाजी फिल्म के निर्देशक कौन है? काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड, भारतीय हिस्ट्री पर बनाई गई थी ये मूवी तानाजी फिल्म, 2020 में ही बनी थी फ्रेंड। तानाजी इसका जो पूरा नाम था, तानाजी द अनसंग वॉरियर 2020। तो इसकी जो निर्देशक थे वो थे फ्रेंड ओम राउत, डी ऑप्शन ओम राउत। और फ्रेंड्स बेसिकली इसमें अजय देवगन, सैफ अली खान और काजोल ने अभिनय किया है, और ये एक तानाजी मलसुरे, मैं लिख देता हूँ नाम, तानाजी मालुसुरे के ऊपर जीवन आधारित थी, जिसमें फ्रेंड कोंदना शिवाजी से जो कोंदना किला छीन लिया था और दोबारा उस कोंदना किले के लिए फ्रेंड्स इसमें अजय देवगन को भेजा था, या तानाजी मालुसुरे को भेजा था इस किले को जीतने के लिए। कौन सा किला था? वो कोंदना किला था। ठीक है, जिसमें फ्रेंड्स बता दूँ मुगल सम्राट औरंगजेब के पास पहुंच जाता है वो शिवाजी से वो किला, और इसमें सैफ अली खान को भेजा जाता है जिसका नाम होता है उदयभान सिंह राठौर। तो फ्रेंड बेसिकली इसमें इंडियन हिस्ट्री के ऊपर दिखाई है कैसे तानाजी मालुसरे शिवाजी के द्वारा कोंदना किला को जीतता है, और इसमें फ्रेंड इंडियन हिस्ट्री की कुछ अहम भूमिका भी दिखाई गई है। ठीक है, तो तानाजी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो वो ओम राउत है, याद रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। राज और डीके के द्वारा किस वेब सीरीज का निर्देशन किया गया है? फ्रेंड काफ़ी ट्रेंडिंग चल रही है फैमिली मैन, और भी मिर्ज़ापुर हैं चाहे सेक्रेट गेम हो, तो ये काफ़ी ट्रेंडिंग चलती हैं और बहुत देखा जाता है सीजन। तो राज और डीके के द्वारा किस वेब सीरीज का निर्देशन किया गया है? तो फ्रेंड्स ये किया गया है द फैमिली मैन, आपने देखा भी होगा, अमेजन प्राइम पर अवेलेबल है। और फ्रेंड इसमें बेसिकली फैमिली मैन में एक कॉमन मैन दिखाया गया है, और बेसिकली एक सीक्रेट सर्विस में होता है, जैसे नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में होता है, और एक इंटेलिजेंस ऑफिसर के रूप में ही काम करता है फैमिली मैन में। तो बेसिकली इसमें ये दिखाया है राज और डीके के द्वारा ये बनाई गई है। फ्रेंड बता दूँ राज का जो पूरा नाम है वो है राज निधि मोरू, ये भी याद रखेगा, लेकिन इनका शॉर्ट नाम ही पूछा जाता है राज टी डी मोरू, और जो डीके हैं वो हैं कृष्णा डीके। ठीक है, कृष्णा डीके। तो बेसिकली राज और डीके ही नाम याद रखेगा, यही ट्रेंडिंग चलते हैं नाम, राज और डीके के द्वारा द फैमिली मैन बनाया गया है। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दिल बेचारा फिल्म के निर्देशक कौन है? फ्रेंड महत्वपूर्ण फिल्म है इसलिए क्योंकि ये फ्रेंड सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी, उससे पहले ये 14 जून 2020 को इनका निधन हो गया था, और उनके बाद ये फिल्म रिलीज हुई जिसमें इन्होंने लास्ट एक्टिंग की है। और फ्रेंड्स इसका जो निर्देशन है वो मुकेश छाबरा के द्वारा किया गया है,
फ्रेंड बेसिकली जो दिल बेचारा फिल्म है वो ली गई है द फॉल्ट इन ओवर स्टार, मैं लिख देता हूँ द फॉल्ट इन ओवर स्टार्स, ठीक है। ये इस नोवेल से ली गई है, दिल बेचारा बनाई गई है, जो कि ये नोवेल है जॉन ग्रीन का नोवेल है और इससे ये दिल बेचारा मूवी बनाई गई है। और ये सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म थी, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। और इसका जो निर्देशक है वो मुकेश छाबड़ा जी ने किया दिल बेचारा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा, सेक्रेट गेम के निर्देशक कौन है? फ्रेंड आपने नेटफ्लिक्स पे ही तो देखा होगा, काफ़ी ट्रेंडिंग करता है ये, तो नेटफ्लिक्स के डायरेक्टर कौन है? तो इसका जो सही आंसर है वो है फ्रेंड्स अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की है सेक्रेट गेम्स। वैसे सेक्रेट गेम्स के पार्ट बहुत होते हैं और कई कई डायरेक्टर करते हैं, लेकिन अनुराग कश्यप जो कि फिल्म भी बनाते हैं और उन्होंने सेक्रेट गेम्स ही बनाया, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये नाम अनुराग कश्यप, याद रखिएगा। और फ्रेंड इसमें सैफ अली खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वेब सीरीज की है, करीब 2018 में लॉन्च हुई थी, याद रखिए अनुराग कश्यप ने सेक्रेट गेम के निर्देशक हैं। सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, अंग्रेजी मीडियम फिल्म के निर्देशक कौन है? फ्रेंड बता दूं, इरफान खान, जिनकी ये फ्रेंड्स अंतिम मूवी थी जिन्होंने इसमें अभिनय किया था, उसके बाद उनके इरफान खान की कैंसर से मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेजी मीडियम हाली में इरफान खान की आखिरी मूवी थी, ये किसने डायरेक्ट की थी, किसने बनाई थी? तो फ्रेंड इसका जो सही आंसर है वो है होमी अदजानिया। होमी अदजानिया फ्रेंड जिसमें इरफान खान अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए लंदन, इनकी बेटी लंदन पढ़ना चाहती है तो उसके लिए पैसों को बंदोबस्त करते हैं, तो इसी में पूरी स्टोरी बताई गई है अंग्रेजी मीडियम में, कैसे अपनी लड़की को विदेश भेजता है पढ़ने के लिए इरफान खान। तो आखिरी मूवी थी इरफान खान की, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। अंग्रेजी मीडियम के जो निर्देशक हैं वो होमी अदजानिया, याद रखिएगा। आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, केसरी फिल्म के निर्देशक कौन है? फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है केसरी मूवी, जिसमें फ्रेंड्स अक्षय कुमार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिसमें ब्रिटिश इंडिया आर्मी का एक सैनिक हवलदार होता है, ईश्वर सिंह नाम होता है इसका, और 10,000 पश्तून आक्रमकालियों के खिलाफ ये 21 सिख सैनिकों का नेतृत्व करता है, जो अंतिम सांस तक बहादुरी से जो आक्रमणकारी होती है उनका सामना करता है। तो इंडियन हिस्ट्री पर ही मूवी बनी थी केसरी, और फ्रेंड्स ये जो डायरेक्ट की थी ये अनुराग सिंह ने डायरेक्ट की थी, किसने? अनुराग सिंह ने डायरेक्ट करी थी केसरी में, ठीक है। इसका एक गाना भी बहुत फेमस है, गाना भी बहुत फेमस है केसरी मूवी का, केसरी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी है, इनके डायरेक्टर नाम याद रखिएगा, अनुराग सिंह है इनके डायरेक्टर। नवा क्वेश्चन देख लेते हैं, थप्पड़ फिल्म के निर्देशक कौन है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सोशल मुद्दों पे बनाई गई है फ्रेंड थप्पड़ मूवी। बेसिकली बता दूँ, एक पति और पत्नी होते हैं इसमें, और पति पत्नी के थप्पड़ मार देता है और उसी की वजह से इन दोनों पति और पत्नी में तलाक हो जाता है। तो ये सोशल मुद्दों पे बनाई गई है कि थप्पड़ फिल्म के निर्देशक कौन है, तो फ्रेंड वो हैं बेसिकली अनुभव सिन्हा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 10, गुलाबो सिताबो फिल्म के निर्देशक कौन है? तो फ्रेंड गुलाबो सिताबो जिसमें अमिताभ बच्चन ने और आयुष्मान खुराना ने दोनों ने अपने किया, काफ़ी अच्छी मूवी है गुलाबो सिताबो, और इस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो फ्रेंड्स गुलाबो सिताबो जो कि काफ़ी अच्छी मूवी है और फ्रेंड्स इसमें अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना ने अपने किया है, बेसिकली इसके जो निर्देशक हैं वो हैं सुजीत सरकार, ठीक है, सुजीत सरकार कहते हैं वैसे इन्हें, याद रखिएगा सुजीत सरकार, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 11वां, मिशन मंगल के निर्देशक कौन है? फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसरो के ऊपर ये मूवी बनाई गई है, इसके डायरेक्टर आपको याद ही करना है क्योंकि पूछा जाता है फ्रेंड, जैसे इसरो ने मंगलयान भेजा था अपना 5 नवंबर 2013 को MOM भेजा था, उसी के ऊपर ये मिशन मंगल बनाई गई थी कि कैसे स्ट्रेटजी अपनाई मिशन मंगल के लिए, कैसे हमने सफल मिशन किया। और इसमें फ्रेंड सोनाक्षी सिन्हा और अक्षय कुमार और विद्या बालन ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है, इसका जो डायरेक्ट किया वो किया जगन शक्ति ने, जगन शक्ति ने मिशन मंगल के निर्देशक हैं, ये जरूर याद रखिएगा। 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं, छिछोरे फिल्म के निर्देशक कौन है? तो छिछोरे फिल्म जिसमें फ्रेंड्स सुशांत सिंह राजपूत ने भी काम किया, काफ़ी अच्छी मूवी थी फ्रेंड्स, और इसका जो निर्देशक है वो किया है फ्रेंड नितेश तिवारी ने, ठीक है, नितेश तिवारी, जिसमें फ्रेंड स्कूल कॉलेज में कुछ छात्र होते हैं और एक छात्र अपने पुराने जीवन की स्टोरी ध्यान करता है, तो ये विशेषली उसी स्कूल कॉलेज के ऊपर ही बनाई गई है और नितेश तिवारी द्वारा ये डायरेक्ट की गई है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 13वां, बाला के निर्देशक कौन है? तो फ्रेंड सोशल मुद्दों पे बनाई गई है इसलिए इम्पोर्टेंट है, तो इसमें एक युवक होता है जिसमें आयुष्मान खुराना होता है, जिसमें फ्रेंड उसके बाल झड़ जाते हैं जल्दी से ही, जल्दी में ही, अर्ली एज में ही, तो फ्रेंड उसकी वजह से समाज से उसे अवहेलना झेलनी पड़ती है और इसलिए उसकी शादी भी नहीं हो पाती। तो फ्रेंड ये सामाजिक मुद्दों पर बनाई गई है, इसके जो डायरेक्टर हैं वो है अमर कौशिक, ठीक है, याद रखिएगा। 14वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पानीपत फिल्म के निर्देशक कौन है? तो काफ़ी
इंपॉर्टेंट डायरेक्टर हैं फ्रेंड, हर बार पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो फ्रेंड जैसे मैं बता दूँ, 1761 में जो अफगानिस्तान का जो राजा था, जो किंग था, अहमद शाह अब्दाली, और इसमें मराठों के बीच लड़ाई दिखाई है, पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ था 1761 में, ठीक है। या अफगान जो वॉरियर था अहमद शाह अब्दाली जो आया था भारत, और पानीपत में लड़ाई हुई थी 1761 में, पानीपत का तृतीय युद्ध जिसमें मराठों की हार हुई थी, तो उसी के ऊपर ही दिखाया था, जिसमें संजय दत्त ने महत्वपूर्ण अफगान सम्राट के रूप में अदा की है भूमिका। और इसके जो डायरेक्टर हैं वह आशुतोष गोवित्कर, जिन्होंने लगान जैसी फिल्में भी बनाई हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मूवी थी पानीपत, जिसमें अफगानिस्तान ने अभी एक कमेंट भी किया था कि अफगानिस्तान से जो अहमद शाह अब्दाली आया था उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा नहा दिखाएं। तो फ्रेंड्स इसे अफगानिस्तान और भारत में कुछ विवाद भी पैदा हो सकता है, तो उसके ऊपर भी कुछ ट्वीट किया था अफगानिस्तान ने। तो बेसिकली आशुतोष गोवित्कर ने ये फिल्म बनाई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, सांड की आग के निर्देशक कौन है। फ्रेंड्स ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये किसी के जीवन पर आधारित है। बता दूं फ्रेंड्स, 60 वर्षीय उम्र की जो चंद्रो और प्रकाशी तोमर दो महिलाएं हैं, मेरठ की महिलाएं हैं, और फ्रेंड्स कैसे ये मतलब एक समाज से निकल के और खेल जगत में चली जाती हैं, और शूटिंग कौशल के द्वारा ये फ्रेंड्स कई पदक भी इन्होंने नेशनल में जीते हैं। तो फ्रेंड बेसिकली इसके जो निर्देशन किया है वो तुषार हिरनदानी ने किया है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये जो मूवी बेस है वो फ्रेंड प्रकाशी तोमर और चंद्रो तोमर, ठीक है, दोनों के ऊपर बेस है। ये मेरठ की रहने वाली दो युवक हैं, उनके ऊपर ही बनाई गई थी, तुषार हिरनदानी। और फ्रेंड्स कैसे इसमें बताया गया कैसे ये एक समाज से निकल के शूटिंग के लिए फ्रेंड्स खेल जगत में चली जाती है, और वहाँ नेशनल पदक कई इन्होंने भी जीते हैं, याद रखिएगा। 16वां क्वेश्चन देख लेते हैं, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, बेसिकली इस फिल्म में बताया गया है उरी कैसे उरी में सर्जिकल स्ट्राइक करा था। और फ्रेंड बेसिकली ये जो मूवी है, ये मूवी जो डायरेक्ट की थी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये जो मूवी थी वो आदित्य धन ने डायरेक्ट की थी, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, याद रखिएगा। 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, गली बॉय के निर्देशक कौन है। फ्रेंड गली बॉय जो कि अभी ऑस्कर के लिए गई थी, जिसमें से अब बाहर हो गई ऑस्कर के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो ये जोया अख्तर द्वारा बनाई गई थी गली बॉय। और ये गली बॉय जो बेस थी एक मुंबई के रैपर हैं जी, जिसका नाम है विवियन फर्नांडिस। ये एग्ज़ाम में भी पूछा गया है बैंक के एग्ज़ाम में कि जो गली बॉय आई थी वो किसके ऊपर बेस थी, तो विवियन फर्नांडिस के ऊपर ये बेस है। और बेसिकली इसमें फ्रेंड्स बताया है रणवीर सिंह ने भूमिका अदा की है, और एक एज ए रैपर के रूप में कि कैसे एज ए एक रैपर मुंबई की जो जिंदगी है कैसे बयान करता है एक रैपर सॉन्ग्स से, तो इसमें ऐसी स्टोरी बनाई गई है। तो ये जोया अख्तर द्वारा ये निर्देशित है गली बॉय, और हाल ही में ऑस्कर के लिए भी गई थी, लेकिन बाहर हो गई है ऑस्कर के लिए ये गली बॉय, ठीक है, याद रखिएगा, जोया अख्तर ने बनाई है। 18वां क्वेश्चन देख लेते हैं, द ताशकंद फाइल फिल्म के निर्देशक कौन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत के बाद इस हत्या की साजिश की जाँच शुरू इसमें होती है द ताशकंद फाइल में, और कई बेहतरीन इसमें सीन्स दिखाएं जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ताशकंद कजाकिस्तान की राजधानी ताशकंद में रहस्य में ही मौत हो जाती है, उसके ऊपर ये मूवी बनाई गई है। तो ये बेसिकली जो डायरेक्ट की थी ये विवेक अग्निहोत्री ने की थी, काफ़ी फेमस मूवी है ये, नाम याद रखिएगा। 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशक कौन है। तो फ्रेंड पीएम नरेंद्र मोदी अभी मूवी आई थी जिसमें विवेक ओबेरॉय ने प्रमुख एक्टिंग अदा की है, इसमें नरेंद्र मोदी बने हैं, और इसमें नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित है कि कैसे नरेंद्र मोदी एक चाय वाले से प्रधान भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने सबसे पहले। तो ये किसने डायरेक्ट की है, तो बेसिकली ये जो डायरेक्ट की है ये उमंग कुमार ने डायरेक्ट की है, सी ऑप्शन, उमंग कुमार ने डायरेक्ट की है, याद कर लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है ये मूवी, और उमंग कुमार ने ये डायरेक्ट की है। और इसमें जो कैरेक्टर अदा किया है नरेंद्र मोदी का, तो वो विवेक ओबेरॉय ने किया, याद रखिएगा। 20वां क्वेश्चन बात कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, भारत फिल्म के निर्देशक कौन है। तो फ्रेंड इसमें बेसिकली ये बताया भारत पाकिस्तान विभाजन के दौर एक परिवार बिछड़ जाता है, तो फ्रेंड सलमान खान पर ही पूरी जिम्मेदारी आ जाती है, और उसे बखूबी निभाने की कोशिश करता है इसमें, इस मूवी में। तो बेसिकली ये जो भारत मूवी है, क्योंकि भारत नाम से इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, और ये जो डायरेक्ट की है ये अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट की है भारत मूवी। तो दोस्तों ये थे टॉप 20 फिल्म थे, जिसमें सीजन भी थे और कुछ मूवी भी थी 2020 की, सुशांत सिंह राजपूत से भी रिलेटेड लेटेस्ट थी, अपडेट थी, और इसमें फ्रेंड इरफान खान जो हाल ही में निधन हो गया उनकी भी लेटेस्ट मूवी थी, और उसके डायरेक्टर महत्वपूर्ण हमने 2020 के पूछे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर ये वीडियो वाकई अच्छी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ इजी नौकरी चैनल को सब्सक्राइब करके जाना,
और हो सके तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर देना, ताकि